में आरजी कर अस्पताल में रेप के बाद हुई हत्या के इसी मामले में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में डीएम के दफ्तर तक मार्च निकाला, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में तो आंसू गैस के गोले तक दाग दिए गए। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक के नेतृत्व में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वहां जिला अधिकारी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इससे भड़के बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त धक्का मुक्की शुरू हो गई। निशित प्रमाणिक भी आगे बढ़ने के लिए कई पुलिसकर्मियों के बीच हाथ पैर मारते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। धक्का मुक्की के बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड पर चढ़ गए और हंगामा शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पानी की बौछार कर दी। इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन कोलकाता रेप और हत्या के मामले को लेकर मोर्चा खोलने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया और उन्हें जबरन वहां से हटा दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांति से किए जा रहे उसके मार्च को कुचलने की कोशिश की, लेकिन कूच बिहार ही नहीं पश्चिम बंगाल में कई और जगहों पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पुलिस से सामना हुआ। और अलीपुरद्वार में तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के लगाए एक बैरिकेड को उखाड़ दिया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता अचानक वहां पहुंच गए। सबसे आगे दौड़ रहे बीजेपी कार्यकर्ता ने उछलकर उस बैरिकेड पर लात मार दी। इसके बाद उसके साथ आई प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बैरिकेड को खींचना शुरू कर दिया। वो गुड़ के किसी टुकड़े पर चींटियों के झुंड की तरह टूट पड़े। इस दौरान पुलिसकर्मी भी दूसरी तरफ से बैरिकेड को पकड़े दिखाई दिए, लेकिन संख्या में ज्यादा होने की वजह से प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली। बैरिकेड तोड़ने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस वालों को धकेलते हुए आगे चले गए, लेकिन डीएम दफ्तर तक पहुंचने से पहले उन्हें एक और बैरिकेड का सामना करना पड़ा। वहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर उन पर लाठियां भी बरसा दी गईं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की भीड़ पुलिस वालों से टकरा गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस चट्टान की तरह खड़ी रही। ऐसे में थोड़ी देर की खींचतान के बीच प्रदर्शन कर रही महिलाएं खुद ही पीछे हट गईं। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि कोलकाता रेप और हत्या के मामले को लेकर उसका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरे जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर दी और इसके लिए उन्होंने कोलकाता पुलिस के मुख्यालय तक मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों जूनियर डॉक्टरों के साथ आम लोग भी शामिल हुए। वहां ऐसी भीड़ जमा हो गई कि सड़क पर पैर रखने तक की जगह न मिले। पैदल मार्च कर रहे कुछ लोगों के हाथों में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की तस्वीर दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 9 अगस्त को जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस पूरी तरह नाकाम रही। ऐसे में वहां के पुलिस कमिश्नर को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोग कोलकाता पुलिस के मुख्यालय का घेराव करने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। इसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए।